नमस्कार साथियों, DSSB TGT का मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने पूरा दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट था हमारा वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम इब्राहिम लोदी की मृत्यु तक कवर किया था, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य और फिर बहमनी साम्राज्य डिटेल में कवर किया है सब कुछ। उसके रिकैप के लिए आप पिछली क्लास का एक जो लास्ट 5-10 मिनट का पोर्शन है वो आप रेफर कर सकते हो। आज सीधा हम स्टार्ट कर रहे हैं मुगल सल्तनत से। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, पहला युद्ध पानीपत का, इस नाम से इसको जाना जाता है। भारत के इतिहास में बड़ा ही निर्णायक मोड़ था क्योंकि सत्ता अब दिल्ली सल्तनत से मुगल सल्तनत की तरफ ट्रांसफर हो गई थी। मुगल सल्तनत संस्थापक था बाबर। कौन था बाबर? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर इसका पूरा नाम था और फरगना का शासक था। फरगना, समरकंद, ये एरियाज मध्य एशिया के अंदर वहां पे स्थापित कुछ एरियाज थे जहां से मुख्य आक्रमणकारी भारत की तरफ आए थे। नाम आपको आक्रमणकारी, मैंने नाम लिया तो आपके दिमाग में सीधा आया होगा चंगेज खान। जस्ट कुछ दिन पहले हमने पढ़ा और चंगेज खान के आतंक से पूरी दिल्ली आतंकित हुई थी, पूरी डिटेल में हमने वो चीज स्टडी की थी। और बाबर की पहचान यही थी कि बाबर उस समय के दो सबसे खूंखार, खूंखार शब्द यूज कर रहा हूं मैं पहली बार इस क्लास में, वजह यही है कि उसके अलावा कोई और बेटर वर्ड है नहीं उनके लिए, सबसे खूंखार आक्रमणकारियों चंगेज खां और तैमूर लंग का वंशज था। चंगेज और तैमूर दोनों के दोनों अपनी एक तरह से इस आतंक का लोहा मनवा चुके थे आसपास के एरियाज में। आपको याद होगा चंगेज खां आया था इल्तुतमिश के अटैक के, इल्तुतमिश के शासनकाल के समय सिंध तक आकर रह गया था। उस समय तक भी दिल्ली सल्तनत में काफी एक डर का माहौल बन गया था कि चंगेज खां का अटैक कभी भी हो सकता था। तैमूर लंग ने बाद में अल्टीमेटली ये अटैक कर ही दिया और 24वीं शताब्दी खत्म हो रही थी, उसके एकदम एंड पे तैमूर लंग के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी थी। इन दोनों का वंशज बाबर अब पास में आ रहा था। तो बाबर के थोड़े प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो मैंने बताया आपको कि फरगना इनका मूल एक स्थान था। समरकंद में तैमूर लंग का शासन चला करता था और ये समरकंद से ही तैमूर का एक तरह से वंशज था। बाबर के पिता मिर्जा लगाया करते थे ये लोग नाम के आगे, फरगना के अंदर जो शासक होते थे वो मिर्जा की उपाधि यूज किया करते थे। इसके पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख। उमर शेख फरगना का छोटा सा एक शासक था, लेकिन दिक्कत यह थी कि यंग बाबर अपने पिता के दिखाए रस्तों पर चल नहीं पा रहा था। बेसिकली पिता जो थे वो जितना मिला उसमें संतोष करने वाले थे, बल्कि बाबर जो था वो महत्वाकांक्षी था, और महत्वाकांक्षी इस हद तक कि उसको समरकंद चाहिए था। समरकंद में जो कि तैमूर लंग का एक तरह से उसकी गद्दी का स्थान माना जाता था, और बाबर को अब अपने पूर्वजों की ये भूमि समरकंद चाहिए थी। शुरू में पिता की मृत्यु हुई, बाबर की उम्र 11 साल थी। बाबर फरगना से निकला अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए, अल्टीमेटली 11 वर्ष की उम्र में ही बाबर के कंधों पे आ गया था पूरा राजकाज का भार। फरगना से आगे अपने राज्य का विस्तार करते हुए समरकंद भी पहुंच गया। बहुत कम उम्र में बहुत कुछ पा लिया था बाबर ने। समरकंद का शासक बन चुका था, लेकिन भाग्य ने कुछ अंगड़ाई ली और बाबर को एक तरह से, बाबर बीमार हुआ थोड़े समय के लिए, बाबर बीमार हुआ और शासन से थोड़े टाइम के लिए छुट्टी ली एक तरह से हम कह सकते हैं। तो वो उसके लिए लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। समरकंद की गद्दी उसके हाथों से चली गई, वहां के आमिरों ने कुछ षड्यंत्र किए, बाबर फरगना आया, फरगना से भी इसको भगा दिया गया। और बाबर जो भारत के इतिहास में एक मेजर स्थान रखता है, बहुत कम समय के लिए लेकिन मेजर स्थान रखता है, बाबर यहां पर अब मजबूर हो गया था दर दर की ठोकरें खाने के लिए। समरकंद से निकल गया, फरगना से निकल गया, उसके बाद बहुत समय तक ऐसा बोला जाता है कि रोटियां भी मांग के खाई थी बाबर ने, कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है। बाबर धक्के खा रहा था और तभी एक अपॉर्चुनिटी आई काबुल की। अफगानिस्तान में है काबुल। काबुल के अंदर सत्ता में थोड़ा संघर्ष चल रहा था। बाबर के ही कुछ सगे संबंधी मिर्जा बंधु थे उधर, जिनकी मृत्यु की वजह से थोड़ा उत्तराधिकार की एक समस्या उत्पन्न हुई थी। बाबर अपनी एक छोटी सी टुकड़ी थी बाबर के साथ,
उसकी सहायता से बाबर जाके काबुल के अंदर अपना एक नया केंद्र बनाता है, जाके काबुल में उसने वापस अपना एक तरह से पॉलिटिकल और राजनीतिक करियर जो है इसका, इसको वापस जिंदा किया काबुल में जाके। जब काबुल आया तब उस समय तक इसकी नजरें तब भी समरकंद पे ही थी। समरकंद के साथ अब दिक्कत यह थी कि समरकंद का शासन बहुत, अब हमने शुरू में देखा कि मंगोल आया करते थे बड़े ही भयंकर आक्रमणकारी भारत की तरफ, और भारत में दिल्ली सल्तनत के राजा कभी भी इस तरह की हिम्मत करते नहीं थे उस तरफ आक्रमण करने की। वजह यही थी कि लड़ने में बहुत अच्छे थे वो, और यहां पर अब बाबर काबुल से अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। कुछ अभियान भी किए, विफल हुए बाबर ने अल्टीमेटली एक तरह से, फिर लास्ट में मन बना लिया कि इधर कुछ हो नहीं सकता, समरकंद का शासन उसे नहीं मिलेगा। लेकिन अब भारत में राजनीति थोड़ी सी गर्म थी उस समय। दिल्ली सल्तनत, अंतिम वंश लोदी वंश, इब्राहिम लोदी का राज चल रहा था इधर। इब्राहिम लोदी के राज के समय आपको याद होगा मैंने बताया था कि आमिरों को एक तरह से अब इब्राहिम लोदी बड़ा जलील कर रहा था, परेशान थे उसके आमिर। सूबेदार अलग अलग रियासतों के उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयारी में थे। तभी उनको पता चलता है, और सेम वही की एक अपॉर्चुनिटी बाबर के पास, दूसरी यहां पे जो छोटे छोटे सामंत सूबेदार थे इनके, उनके पास थी इब्राहिम लोदी के खिलाफ बगावत करने की। और अफगानिस्तान में बैठा बाबर अब भारत की तरफ निगाहें करता है। भारत की राजनीति में उस समय चल क्या रहा था वो बात जरूरी है डिस्कस करना। तो भारत की राजनीति का मेन केंद्र आपको याद होगा दिल्ली, दिल्ली सल्तनत। इसके अलावा बंगाल एक मेजर पार्ट था फैला हुआ इधर तक। सालों के अंदर यहां की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी बाबर की एंट्री के समय, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। दिल्ली, बंगाल और कौन से मेजर स्टेट्स थे, गुजरात, इसके अलावा राजपुताना, मालवा, इसके अतिरिक्त दो जो मेजर वंश हम लोग अभी जस्ट पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, विजयनगर और ऊपर उसके बहमनी, इनके अतिरिक्त एक उड़ीसा का स्टेट था। ये मेजर पावर होल्डर्स थे भारत में उस समय। बाबर ऊपर से देख रहा है दिल्ली में कौन काबिज था उस समय, आपको याद होगा इब्राहिम लोदी, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। इब्राहिम लोदी से उसके जो सूबेदार थे वो नाराज चल रहे थे, आमिर षड्यंत्र कर रहे थे। ऐसा ही एक सूबेदार पंजाब का था, पंजाब के एरिया के अंदर बैठा था, दौलत खान लोदी, अफगान था, सूबेदार था। दौलत खान लोदी पंजाब में राज कर रहा था, दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं था, लेकिन इसने अफगानिस्तान में बैठे बाबर से संधि की, उसको इनवाइट किया भारत पर आक्रमण के लिए। खुद लोदी था, खुद अफगान था, लेकिन अब एक विदेशी शक्ति को भारत में आक्रमण के लिए आमंत्रित कर रहा है। सांगा के बारे में भी बोला जाता है, राजस्थान के अंदर महाराणा सांगा का राज चल रहा था। सांगा भी उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने बाबर को भारत की तरफ इन्वाइट किया था, ऐसा बोला जाता है। महाराणा सांगा, पंजाब का ये दौलत खान लोदी, इसके अतिरिक्त और भी कई सगे संबंधी थे इब्राहिम लोदी के जिन्होंने बाबर को भारत की तरफ आकर्षित किया। इनका मानना यह था कि जिस तरह से तैमूर लंग थोड़े टाइम पहले आया था दिल्ली सल्तनत की तरफ, अटैक किया और अपना एक कमजोर सा सूबेदार खिजर खां उसको इधर की जिम्मेदारी दे के चला गया था, इनका प्लान भी यही था कि बाबर आएगा, आक्रमण करेगा दिल्ली सल्तनत में, एक तरह से उठापटक होगी, गद्दी पलटेगी, अपना कोई वीक सूबेदार यहां पे नियुक्त करके चला जाएगा, बाद में हम सब बांट लेंगे उस राज्य को। प्लान तो यही था और अकॉर्डिंगली चल भी रहा था। दौलत खान लोदी, महाराणा सांगा, इन सब ने बाबर को इनवाइट किया, बाबर ने भी इनके साथ संधि की, लेकिन बाबर ने अपने जो पत्ते थे वो इनको दिखाए नहीं थे। बाबर पूरी भारत का जो ये एरिया है इसको स्टडी कर रहा था दूर से कि कौन कहां पे कितना शक्तिशाली है। हमने बात की दिल्ली की, हमने बात की पंजाब की, हमने बात की राजस्थान की। गुजरात के अंदर इस समय पे था बहादुर शाह नाम का एक शासक था। अब हुआ ये था कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद से दिल्ली सल्तनत के जो ये नॉर्मली ये सारे एरिया दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ करते थे, गुजरात, मालवा, ये सब। लेकिन जैसे ही तैमूर का अटैक हुआ, सल्तनत कमजोर पड़ी बाद में,
तो ये सारे छोटे छोटे एरियाज जो थे अलग अलग राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करने लग जाते हैं। उनमें बहादुर शाह का गुजरात जो था वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग राज्य था। इसके अतिरिक्त बंगाल में एक स्ट्रॉन्ग राजा नुसरत खान ये आ चुका था। मालवा में था महमूद खिलजी का राज। लेकिन महमूद खिलजी के साथ दिक्कत ये थी कि महमूद खिलजी खुद परेशान था अपने प्रधानमंत्री से। उस प्रधानमंत्री का नाम था मेदिनी राय, क्योंकि उनकी पावर ज्यादा बढ़ रही थी और इंटरनल पॉलिटिक्स में बेसिकली इनके थोड़ी सी एक तरह की इंस्टेबिलिटी थी, अव्यवस्था थी। बाबर ये सब सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। विजयनगर और बहमनी आपको याद होगा कि उस समय पे आपस में लोअर हेड्स पे थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, इनकी आपस में बनती नहीं थी। हम लोग पूरा इतिहास इनका पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। उस टाइम फ्रेम पे ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध बिजी थे। बंगाल की बात कर चुके हैं। उड़ीसा माफ कीजिएगा, यहां का हिंदू राजा था एक और हिंदू किंगडम इधर चल रहा था। अब बाबर योजना बनाता है। बाबर ने अपने दुश्मन चुने सबसे पहले। दुश्मन स्वाभाविक सी बात थी, भारत पे राज करना है तो भारत की सत्ता का मेन केंद्र इस समय पे दिल्ली अभी भी था। हालांकि सल्तनत कमजोर थी लेकिन दिल्ली अभी भी सत्ता का केंद्र था और इस पूरे भूभाग में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए दिल्ली पे कब्जा करना जरूरी था। दुश्मन चुने इसने, दिल्ली वालों को क्यों चुना। इसके अतिरिक्त पंजाब, राजस्थान और मालवा इनके साथ डायरेक्ट फाइट करने की कंडीशन में था। गुजरात को एक बार के लिए छेड़ना नहीं चाहता था। बहादुर शाह स्ट्रॉन्ग राजा था और डायरेक्टली बाबर इसके साथ एक तरह से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि पड़ोस में था राजस्थान। राजस्थान में सांगा एक मेजर थ्रेट इसको दिख रहा था, ज्यादा फोकस उसी पे था। मालवा यहां पर भी निगाहें थी। इसके अतिरिक्त विजयनगर बहमनी से खतरा नहीं था बाबर, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत व्यस्त थे। इनकी सालों की लड़ाई मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि के बारे में बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा था। बाबरनामा उसकी आत्मकथा थी, उसके अंदर लिखा था विजयनगर साम्राज्य के बारे में, वहां की पॉलिटिक्स के बारे में। तो बाबर इनकी पॉलिटिक्स को भलीभांति जानता था। ये जानता था कि ये लोग ऊपर आने का इनके पास समय नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ वक्त बर्बाद करने में लगे हैं। अब बचाए कि मेजर एरिया बंगाल और उड़ीसा, यहां भी बाबर की किस्मत काम कर रही है। कैसे? कि उसे दिखा कि बंगाल और उड़ीसा दोनों के दोनों दिल्ली की कमजोरी का फायदा उठा के आना एक इधर चाहेंगे। लेकिन बंगाल में राज था नुसरत खान, मुस्लिम राजा, जबकि उड़ीसा में हिंदू राजा थे। इनमें संधि की एक तरह से गुंजाइश कम थी और जो भी कोई स्टेट इनमें से दिल्ली की तरफ अगर आक्रमण करने आता तो दूसरा फायदा उठा के पीछे वाले को लूट लेता। तो इस तरह से दिल्ली के लिए बंगाल और उड़ीसा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। और बाबर ने अब अपने दुश्मन चुन लिए। मैंने बताया बाबर ने अपने पत्ते खोले नहीं थे। बाबर आया, आने के बाद और एक और खास बात कि जो बड़े राजा या इतिहास में जो भी सफल आक्रमणकारी या योद्धा हुए वो एक समय का वेट करते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम इन्होंने मन बना लिया और तुरंत अटैक कर दिया। जो तुरंत अटैक कर देते हैं किसी एकदम एक इमीडिएट रीजन की वजह से, उनका हाल क्या होता है हमने अभी पिछली क्लास में देखा। विजयनगर साम्राज्य देवराय प्रथम एक लड़की के चक्कर में जाके बहमनियों पे अटैक कर देता है, हारा, अपनी टेरिटरी का मेजर पोर्शन खो दिया उसने। बाबर ऐसी गलतियां करने वाला नहीं था, बाबर पूरी प्लानिंग के साथ आने वाला था। बाबर ने इसी के लिए भारत के अंदर, अब हम सुनते हैं कि बाबर ने आके पानीपत का युद्ध किया 1526 का, लेकिन 1526 में पानीपत आने से पहले बाबर 1519 से लग गया था भारत में अटैक करने। चार और अटैक किए गए थे। बाजौर का भारत में अटैक जो था वो इसका प्रथम अटैक था, बाजौर आक्रमण। इसके बाद आक्रमण के बाद जब आगे बढ़ता जा रहा था और इन जो जिन लोगों ने इसे इन्वाइट किया था यहां पे, दौलत खान लोधी और सांगा, इनको भी बाबर के मंसूबों में थोड़ा डाउट था। बाबर ने पंजाब पे आक्रमण कर दिया। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, अब पंजाब भी बाबर जीत चुका था। ये मैं पानीपत से पहले की स्टोरी बता रहा हूं। दौलत खान लोधी को युद्ध में हराया, भगा दिया इधर से। अंदेशा हो रहा था सबको कि बाबर शायद लंबा रुकने के मूड में है, वो तैमूर लंग की तरह इधर कोई वीक सूबेदार नियुक्त करके जाएगा नहीं। और अब
ये चीज अपने आप को एक तरह से अब यहां की कहानी लिखी जा रही थी। तो बाबर उस कहानी का मुख्य नायक था। बाबर ने फिर 1526 में अल्टीमेटली वो अटैक किया जिसने भारत में मुगलिया सल्तनत की स्थापना कर दी। वो युद्ध था पानीपत का। आपको याद होगा पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के टॉपिक में आपको बताया था कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तो लड़ा ही गया, प्लस ये युद्ध भारत में अब एक नए मोड़ का एक तरह से परिचायक था। अब नए इतिहास एक मोड़ ले रहा था। दिल्ली सल्तनत से हम मुगल सल्तनत की तरफ ट्रांसफर हो गए। पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपनी एक जो पीछे के जो एक्सपीरियंसेस थे ये 4-5 सालों के भारत में लड़ने के लिए, इन सबको अच्छे से यूज किया। पानीपत के युद्ध में तुलगुमा पद्धति इसने अपनाई साथ में, और अपने नए नए प्रयोगों के द्वारा एक तरह से अपने दुश्मनों को बहुत पीछे धकेल दिया। बाबर का तोपखाना बड़ा ही फेमस था। तुलगुमा पद्धति क्या थी आपको डाउट होगा। तुलगुमा क्या था कि बेसिकली अपनी सेना को बाबर 3 भागों में बांट देता था। ये 3 भाग इस तरह से आएंगे, एक लेफ्ट से, एक राइट से और एक मिडिल पार्ट जिसमें कम सैनिक होंगे थोड़े। और जब शत्रु सेना सामने से अटैक करेगी यहीं पर इनके तोपखाने का भी एक तरह से मध्य भाग में पीछे से बैलगाड़ी पे तोपखाना भी इनका लगाया होता था, तोप के वार किए जाते थे। तो इस तरह से एक तरह से चक्रव्यूह बनाया जाता था इनके लिए और दुश्मन को घेर के मारा जाता था। साइंटिफिकली थोड़ी सी सोची समझी ये इनकी पद्धति थी, एक योजना थी, एडवांस्ड था बाबर। और अब एक इतिहास में भी आप ये चीज भी देखोगे, लड़ाई के जो तरीके हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते जा रहे हैं। याद होगा आपको मैंने बताया था, पहले भी डिस्कस किया था हमने, कि तुर्की इतने सफल क्यों हो गए भारत में आगे। वजह थी कि प्राचीन जो तरीके थे भारत में लड़ाई के, जो हिंदू राजा लड़ रहे थे अभी भी हाथियों पे लड़ रहे थे, तुर्की आए तेज घोड़े लेके आए, एडवांटेज था उनको। बाबर अब एक और नई टेक्निक अब तोपखाने का भरपूर यूज करेगा। ऐसा नहीं था कि तोपखाना मतलब एक तरह से तोपखाना और बारूद सिर्फ बाबर ही लेके आया सबसे पहले, भारत में इससे पहले यूज हो रहा था तो बहुत ही छोटे स्केल। अब बाबर ने इसको मेन स्ट्रीम कर दिया। तोपखाने का युद्ध में उपयोग अब जीत हार निश्चित करने लगा था, और यहां पे बाबर का तोपखाना इसकी जीत की वजह बना। साथ में थी तुलगुमा पद्धति। बाबर कुछ एडवांस टेक्निक्स लेके आया पानीपत में, कुछ लोदियों के जो आमिर थे उनकी द्वारा किए गए एक तरह से गद्दारी जो थी उनकी, उसने भी फायदा पहुंचाया। हुआ ये कि इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया, पानीपत के पहले युद्ध में। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना जो युद्ध भूमि में मारा गया। पहला और आखिरी तो लिटरली था ही कि दिल्ली सल्तनत में अंतिम शासक के रूप में हम इब्राहिम लोदी को जानते हैं। इससे पहले कोई भी शासक आपको याद होगा कि युद्ध के मैदान में नहीं मरा था, युद्ध लड़ते हुए नहीं मरा। यहां पर बाबर अब भारत के अंदर मुगल वंश की नींव डाल लेता है। बाबर ने तुरंत अपने बेटे कामरान और हुमायूं को भेजा कि आगरा और दिल्ली पे जाके कब्जा किया जाए, क्योंकि वहीं पे एक तरह की उनकी, याद होगा आपको सिकंदर लोदी के समय से सिकंदरा आगरा के निकट 4 किलोमीटर दूर है लगभग उधर से, वहां पे सत्ता का मेन केंद्र एक डेवलप किया जा रहा था राजधानी के रूप में। तो सिकंदरा और आगरा जो थे वो डेवलप हो रहे थे, साथ में दिल्ली केंद्र था ही सत्ता का। इसने जैसे ही कामरान और हुमायूं को भेजा, यहां पे सांगा और बाकी के जो आसपास के आमिर थे इनके लोदियों के, राजस्थान में सांगा हो गया राजपूत राजा, स्ट्रॉन्ग राजपूत राजा था जो वेट कर रहा था दिल्ली के पतन की, ताकि वो राजपूतों को वापस एक बार फिर दिल्ली में बिठा सके, पृथ्वीराज चौहान के बाद वापस राजपूतों का परचम दिल्ली तक लहरा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इन सबको पता चल गया। क्यों? क्योंकि बाबर दिल्ली और आगरा दोनों एक साथ कब्जा कर रहा है, लूटने नहीं जा रहा, गद्दी पे कब्जा करने जा रहा है। यहां पे सांगा तैयार हो जाता है अपने एक नए शत्रु से लड़ने के लिए। सांगा के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये हिस्ट्री का, ना सिर्फ राजस्थान की हिस्ट्री का बल्कि भारत के इतिहास में भी। ये अंतिम राजा था जिसने एक तरह से बाबर को सीधा, बाबर के लिए वो पानीपत के युद्ध से बड़ा युद्ध बोला जाता है, खानवा का युद्ध था। अंतिम भारतीय राजा जिसने डायरेक्टली बाबर को एक तरह से आंखों में आंखें डाल के चैलेंज किया और बराबरी की लड़ाई हुई। 1527 के अंदर युद्ध होता है खानवा। पहला युद्ध आपने देखा सबने, कहां का पानीपत का, अगला खानवा।
खानवा का युद्ध सांगा के खिलाफ लड़ा गया। महाराणा सांगा राजस्थान का राजपूत राजा सिसोदिया वंश का था ये। तो महाराणा सांगा के बारे में थोड़ा सा एक अब बड़े राजा जो होते हैं उनके लिए एक भूमिका तैयार करनी होती है, और सांगा के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि सांगा उस समय का सर्वश्रेष्ठ शासक था इस एरिया में लड़ने के मामले में बोला जाए। क्यों था? क्योंकि सांगा जिस आदमी के एक हाथ नहीं हो, एक पैर नहीं हो, एक आंख नहीं हो, शरीर पे 50 से ज्यादा घाव हो, उसको आप भूत कहते हो आजकल। यहां पे महाराणा सांगा वैसा था, और ये जो घाव इसको लगे थे, ये शरीर के इतने अंग खो चुका था कि सारे इसने अपने जीवन में अलग अलग युद्धों में खोए थे। तो ऐसा आदमी जो इतना सब कुछ अपने शरीर के इन मेन अंगों को खोने के बाद में युद्ध भूमि में खड़ा रहे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन तो बनता है। तो महाराणा सांगा खानवा के युद्ध में बाबर से सामना करते हैं, लेकिन उससे जस्ट पहले एक और चीज होती है, वो हुआ था बयाना का युद्ध। छोटा सा बयाना का एक युद्ध हुआ था सांगा द्वारा मुगलों के खिलाफ। बयाना का युद्ध हुआ यह था कि बाबर ने जब पानीपत जीत लिया, दिल्ली की सत्ता पे बैठ गया, तो दिल्ली के आसपास के जो कुछ एरियाज थे उन पे अधिकार करना शुरू कर दिया। राजस्थान और दिल्ली के बीच में पड़ता था बयाना। बयाना के दुर्ग पे बाबर ने एक टुकड़ी भेजी, आक्रमण किया, बयाना का दुर्ग अपने कब्जे में ले लिया। सांगा के लिए डायरेक्ट चैलेंज सांगा के लिए, क्योंकि सांगा राजस्थान का राजा राजपूताने का, और दिल्ली के अंदर आया नया बैठा बाबर, अब सांगा के स्टेट के बॉर्डर्स पे अटैक कर रहा था। सांगा के लिए अब युद्ध एक तरह से टाला नहीं जा सकता था। सांगा को पता था सर्वाइवल का गेम है, या तो आगे बढ़ के खुद अटैक करे या बाबर खुद आएगा अटैक करने। तो सांगा ने सबसे पहले बयाना के ऊपर अटैक किया, मुगल सेना को भगा दिया वहां पे अटैक करके, बयाना के दुर्ग पे आक्रमण किया। वहां पे मुगलों के विरुद्ध मुगल टुकड़ी थी, यहां पे इनके विरुद्ध भयंकर आक्रमण, और उसके बाद यहां से जो इनका मुगल सेनापति था वो अपनी जो भी बची कुची सेना थी उसको लेके आतंकित होके भागा। और ऐसा आदमी जिसके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, और मैंने बताया आंख नहीं है, तो ऐसे आदमी को युद्ध भूमि में खड़ा देख के अपनी मौत ही तो दिखेगी सबको इसके सामने। तो मौत के रूप में सांगा मुगलों को दिख रहा था, इधर इन मुगल सैनिकों को, सीधे बाबर के दरबार में। बाबर उधर प्लानिंग कर रहा था सांगा के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन ये अपने एक तो इन सैनिकों का मनोबल, ये जो सैनिक थे वापस बाबर की सेना में गए, बाकी के सैनिकों को साथियों को बताया इन्होंने कि बाबर के विरुद्ध सांगा कैसे लड़ाई करने वाला है। एक डर का माहौल तो बन गया, सांगा के भी चर्चे चल रहे थे मुगलों के दरबार में। एक और चीज उस समय होती थी कि ज्योतिषियों पे, बाबाओं पे, इन सब पे भरोसा बढ़ा करते थे ये जो राजा होते। बाबर ने अपने लिए एक ऐसे दरबार में एक बुलाया हुआ था, एक ज्योतिषी बुलाया हुआ था किसी बाबा को। उस बाबा ने भविष्यवाणी कर दी कि बाबर या मुगल ये युद्ध हारेंगे सांगा के खिलाफ। और भी ज्यादा एक तरह से डिप्रेशन में जा रहे थे सैनिक। सैनिकों के लिए ये समस्या थी कि अब एकदम कैंप में जब आप देखते हो कि इस तरह की चीजें हो जाए तो एक मनोबल टूट जाता है, तो उनके लीडर के लिए, बाबर के लिए ये और भी बड़ी समस्या। बाबर को फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी परिस्थितियां जो है उसके विपक्ष में खड़ी हो, बाबर बहुत महत्वाकांक्षी था अलाउद्दीन खिलजी की तरह, कि वो अपनी एक तरह की खुद की एक जब जो ठान ली तो वो करना चाहता था, और पूरी एक तरह से जान लगा के करते थे। बाबर भी यही चीज, बाबर ट्राई करना चाहता था। बाबर सांगा के खिलाफ किसी भविष्यवाणी के डर से पीछे हटने वाला नहीं था। खानवा का युद्ध तय हो चुका था। खानवा के युद्ध में यही 1527 में युद्ध से पहले बाबर की जो सेना की टुकड़ियां थी ये थोड़ी सी डिमोटिवेट हो चुकी थी, वजह मैंने आपको बताई। बाबर जाते हैं, एक मूवी आई थी चक दे इंडिया, देखी थी? उसके अंदर शाहरुख खान अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को, अपनी एक टीम को हॉकी के एक मैच से पहले कैसे मोटिवेट करता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक तरह का एक मूवी का दृश्य है, लेकिन एक लीडर की एक भूमिका वो आपको दिखाता है कि कैसे वो जब सब घुटने टेक चुके हों तब भी वो सबको मोटिवेट इस तरह से कर सकता है कि बाजियां पलट दी जाए। बाबर अपने सैनिकों के पास गया, जाके वही पुरानी एक ट्रिक निकाली अपनी जेब से, धर्म की। हाँ, धर्म
ने देखा पीछे बलवन यूज किया था बलवन ने, उसके बाद में और राजा आए, राजत्व का उनका सिद्धांत आता था, फिरोज शाह तुगलक आया, खुद को ट्रस्टी बता रहा था खुदा का। इस तरह से अलग अलग राजा आते हैं बार बार, अपने धर्म का एक उपयोग करते हैं जनता तक पहुंचने के लिए या जनता को मोटिवेट करने के लिए, जनता को जोड़ के रखने के लिए। यहाँ पे बाबर को जरूरत थी अपने सैनिकों को जोड़ के रखने की, सैनिकों को मोटिवेट करने। बाबर ने आते ही इस धर्म को, इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी। बाबर अपने इन सैनिकों को बोलता है कि हमारा युद्ध इस समय काफिरों से है। ये काफिर शब्द का मतलब क्या था आपको बताया था पीछे, इस्लाम के जो नॉन इस्लामिक शत्रु जो होंगे उनके लिए काफिर शब्द का उपयोग करते थे। तो बाबर ने यहां पर अपने सैनिकों को बोला पूरी एकदम वही की मोटिवेशन देते हैं, तो थोड़ी आवाज भारी करके, और बाबर अपने ट्रूप्स को जो पहले डिमोटिवेटेड खड़े थे उनको उसने बोला कि अगर यहां पे आज आप लड़ते हो तो वो इस्लाम की बेहतरी के लिए लड़ोगे, अगर यहां पे जीते तो तुम गाजी कहलाओगे काफिरों का वध करने के लिए, अगर हारे तो शहीद कहलाओगे जिन्होंने एक धर्म युद्ध में अपनी बलि चढ़ा दी। इस तरह की चीजें बाबर अब बोल रहा था। तो जब धर्म के बारे में ऐसी ऐसी बातें किसी को बोली जाए या थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया जाए तो जनता नॉर्मली थोड़ी हो जाती है भावुक, और भावुकता में इंसान या तो बहुत ही बेहतर करता है या बहुत ही खराब करता है, ये इमोशनली चार्ज्ड अप हो गए। लेकिन तभी रियलिटी हिट की थोड़े सैनिकों को, ये आदमी ये बाबर ये हमें इस्लाम का वास्ता दे के लड़ाने के लिए मरने के लिए भेज रहा है, खुद इस्लाम के नाम पे इस्लाम का एक दे रहा है, हवाला तो इस्लाम का ही दे रहा है, लेकिन इस्लाम ने बोला है कि आपको शराब के लिए बैन है, इस्लाम में प्रोहिबिट है। उसके तो पीछे जो आमिर खड़े थे बाबर के पीछे अपने क्वार्टर्स लेके खड़े, तो बाबर को किसी एक सैनिक ने हिम्मत दिखाते हुए बोला, हुजूर आप बुरा ना माने या मेरे को मृत्युदंड ना दे तो एक बात बोलता हूं आपको। बाबर अब चूंकि इन सैनिकों को अपने साथ लेना है तो बाबर सुनने के लिए राजी होता है। वो बोलता है साहब ये जो पीछे आपके पड़े हैं ये इनकी इजाजत इस्लाम देता है क्या, ये कौन से हमारे धर्म युद्ध के लिए। बाबर ने तुरंत उस युद्ध के लिए, खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने शराब के सारे जो भी बर्तन थे और शराब की बोतलें वहीं पे बड़े नाटकीय अंदाज में तुड़वा दी थी। बाबर ने ऊपर से प्रतिज्ञा भी ले ली उस दिन, आज के बाद शराब की आग नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह से अब सैनिकों को अपनी तरफ करने की प्रयास कर रहा। तो शराब बैन खानवा के युद्ध से पहले, या शराब प्रोहिबिशन, शराब पर एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया था बाबर। तभी किसी ने पीछे से बोला कि इस्लाम के अंदर तो आपको अब लोगों को अब लग गया कि अब सुल्तान तो बढ़िया है, मतलब नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं तो अब लगा दो और भी अर्जियां। किसी ने बोल दिया इस्लाम तो आपके लिए जो कर लगाने का बोलता है, फिरोज शाह तुगलक के टॉपिक में आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में जो कुरान के अंदर लिखे थे वही कर एक तरह से लगाने की कोशिश की, बहुत से जो अनावश्यक कर थे अननेसेसरी टैक्सेस को हटा दिया था, कुछ चार जो कर थे जो कुरान के अंदर लिखे थे, जजिया जकात इसके अलावा खराज इसके अलावा खुम्स, इन चार करों की बात की थी। बाबर बहुत कर भी तो ले रहा था क्योंकि बड़े युद्ध करने हो तो जनता में कर भी थोपे जाते, और ऐसा ही एक कर था तमगा। तमगा क्या था, व्यापारियों पर लगने वाला एक महसूल था, कर महसूल कर को भी बोला जाता था, व्यापारी कर था बेसिकली तमगा। तो किसी सैनिक ने खड़े होकर यह भी बोल दिया, हुजूर तमगा क्यों लेते हो। बाबर ने कहा तू तो ये भी रख, तमगा भी कैंसिल आज से, अब इस मुगलिया सल्तनत में तमगा नहीं लगाया जाएगा व्यापारियों को। अब थोड़ा सा एक तरह से ये सैनिक जो थे वो बाबर के साथ आ रहे, धर्म के नाम पे इनको मोटिवेट किया गया और ये सारे के सारे अब लड़ने के लिए तैयार थे सांगा के विरुद्ध। सांगा के विरुद्ध 1527 में खानवा का ये युद्ध होता है। दूसरी तरफ सांगा, और सांगा का भी अब ऐसा था कि अकेला सांगा नहीं आया था युद्ध करने, सांगा खुद के तो एक खौफ था ही। सांगा ने एक पाती परवन, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा था बाबर और दिल्ली के साथ डायरेक्ट लड़ाई करने जा रहे हैं, तो सांगा भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया। सांगा ने अपने आसपास के पूरे राजपुताने के मध्य प्रदेश के गुजरात के शासकों को सबको पत्र लिख के, पाती परवन बोला जाता है उसको, कि उन्होंने पाती भेजी। बहुत से शासक, ज्यादातर शासक जो थे सांगा के छत्र के नीचे लड़ाई करने आ गए,
यह भी बहुत बड़ी बात थी, राजाओं का ईगो बहुत बड़ी चीज था उस समय। कोई भी राजा दूसरे राजा के अधीन लड़ने के लिए उसके छत्र के नीचे राजस्थान में तो एटलीस्ट नहीं आता, लेकिन सांगा के लिए आए। अब युद्ध जो था यह धर्म युद्ध बन चुका था, एक विदेशी आक्रमणकारी आ चुका था, उसके विरुद्ध सारे राजाओं को संगठित किया, और ये लगभग एक तरह से अकेला मौका था। बाद में जिस तरह से सांगा के अधीन सारे राजपुतानी के राजा इकट्ठे हुए, बाद में इस तरह से कभी इकट्ठे हो भी नहीं पाए जिस लेवल पे यहां पे। तो सांगा भी पूरी तैयारी के साथ बाबर अपने पूरे ट्रूप्स को पूरा मोटिवेट करके खानवा के मैदान में भिड़ते हैं। बाबर की टेक्निक्स एडवांस थी, बाबर तुलगुमा पत्ती तोपखाना इन सब का यूज कर रहा था। हुआ वही कि खानवा में सांगा बुरी तरह से घायल हो गया, सांगा को युद्ध भूमि से बाहर ले जाना पड़ा। वहीं पर अब सांगा का मैंने बताया कि सांगा जो आदमी था ये आदमी जानता ही नहीं था दर्द क्या होता है, मौत क्या होती है। इसको जैसे ही होश आया ये वापस युद्ध भूमि में आने के लिए तत्पर हो उठा। बाकी के जो उसके साथ के सामंत थे उन्होंने सांगा को जहर देकर मार दिया, क्योंकि उनको पता था सांगा का कुछ बिगड़ेगा नहीं, बाकी के सब जाएंगे। मुगलों ने बड़ा ही भयंकर अटैक खानवा में किया, खानवा का युद्ध मुगल जीत गए, बाबर भारत में अब पैर जमा चुका था। पानीपत के अंदर एंट्री हुई थी पानीपत के पहले युद्ध के अंदर। अब खानवा में भारत के अंदर जो उत्तर भारत में एटलीस्ट बोला जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग राजा तो था सांगा, सांगा के खतरे को खत्म कर चुका था बाबर। स्वाभाविक सी बात है मनोबल बढ़ना ही था, तो मनोबल इस कदर बढ़ा कि आसपास के छोटे छोटे जो राज्य थे वो सारे बाबर की अधीनता स्वीकार करने में चालू हो गए। 1527 के बाद अगला युद्ध था 1528 का चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया। मेदिनी राय कौन था? जस्ट पहले इंट्रो में आपको बोला था, मेदिनी राय प्रधानमंत्री था मालवा, महमूद खिलजी राज कर रहा था, उसका प्रधानमंत्री मेदिनी राय सांगा के सहयोग से महमूद खिलजी के खिलाफ लड़ाई जीत गया था। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था सांगा के विरुद्ध। अब जब बाबर ऑलरेडी अपना एक तरह से परचम लहरा चुका था, आसपास के छोटे छोटे स्टेट्स जो थे वो बाबर के अधीन आ रहे थे, मेदिनी राय नहीं आया। मेदिनी राय जिस एरिया को कंट्रोल कर रहा था वो उस समय उत्तर भारत का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था, सबसे उपजाऊ एरिया गंगा यमुना का दोआब। तो मेदिनी राय पर चंदेरी का युद्ध करता है बाबर, हार जाता है मेदिनी राय, चंदेरी का युद्ध भी बाबर जीतता है। बाबर अपने भारत में तीसरा मेजर अभियान चंदेरी का अभियान भी जीत जाता है। अब 1529 में एक और युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया जो बाबर के जीवन का युद्ध अंतिम युद्ध था, घाघरा का युद्ध। बिहार के पास ही घाघरा नगर नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया। इसके हुआ यह था कि पानीपत के अंदर जब पहली बार बाबर लोदियों से भिड़ा था, दिल्ली के लोदियों से, तब अफगान शासकों ने, अब ऐसा नहीं था कि पूरा सबका सफाया हो चुका था, बहुत से अफगान आमिर जो थे ये भाग के बंगाल की तरफ आए थे। बंगाल में आपको याद होगा नुसरत खां, बाबर उससे पंगे लेना नहीं चाहता था, बाबर उससे दुश्मनी क्रिएट करना नहीं चाहता था, लेकिन नुसरत खां ये जो भाग के आए हुए आमिर थे अफगान आमिर, इनको एक तरह से फंडिंग देता है, उनको शह देता है बिहार के आसपास, उनको तैयारी का मौका देता है बाबर के खिलाफ वापस युद्ध की तैयारी का। तो बिहार के आसपास ये वापस एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। घाघरा का युद्ध हुआ, जो भी अफगान बचे थे उन सबको बाबर के विरुद्ध लड़ना पड़ा, तो यहां पे बाबर वापस जीता। घाघरा के युद्ध में बाबर फाइनली पूरी तरह से भारत में एस्टेब्लिश हो गया। नई नई मुगल सल्तनत है, इसके आगे और नए संघर्ष चलेंगे। बाबर का बेटा हुमायूं, सबसे बड़ा बेटा हुमायूं, अब उसको भी अच्छी खासी जिम्मेदारियां मिलने वाली। हुआ ये कि बाबर इस युद्ध के बाद में, अब ये बाबर के जीवन का घाघरा का युद्ध अंतिम युद्ध, बाबर के बच्चों की बात की जाए, बाबर के चार पुत्र थे, बाबर के चार पुत्र हुमायूं, कामरान, आस्करी और हिंदाल, ये बाबर के चार पुत्र प्लस एक बेटी थी गुलबदन बेगम,
क्यों मैं इनके नाम लिख रहा हूं कि क्योंकि इनका एक रोल है। बाबर अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं से बड़ा प्रेम करता। 1530 में हुमायूं थोड़ा बीमार पड़ा, हुमायूं बीमार पड़ा तो अब ये कहानियां हैं, कितनी सच्चाई है उसमें पता नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हुमायूं बीमार पड़ा। बाबर ने वापस अपने उन बाबाओं को बुलाया, बड़ा बिलीव करता था इन ज्योतिषियों में, बाबाओं में, कि मेरे लड़के को बचाइए आप कैसे भी करके। तो उसमें से किसी बाबा ने बोल दिया कि आपको अपनी सबसे बेशकीमती चीज जो है वो आप जाने दीजिए, बदले में आपको हुमायूं की जिंदगी मिल जाए, ईश्वर आपको हुमायूं की जिंदगी दे दे। बाबर ने बहुत सोच विचार करके बोला, इस वक्त मेरे लिए सबसे कीमती मेरी जान है। तो बाबर एक तरह से ये बोलता है और वो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते होंगे, उसी कहानी है ये, लेकिन ये बोला गया। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद हुमायूं ठीक हो जाता है, हुमायूं आगरा के मिशन पे चला जाता है। पीछे से बाबर बीमार रहने लग गया, 1530 में अल्टीमेटली बाबर मर जाता है, बाबर की मृत्यु हुई। हुमायूं को उसने ऑलरेडी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया हुआ, सबसे बड़ा बेटा था तो बाबर को सबसे प्रिय भी था। मरने से पहले हुमायूं से एक वादा लिया था बाबर ने कि मेरे मरने के बाद ये जो अपने बाकी के तीन भाई हैं तेरे, इन सबका भी ख्याल रखा जाएगा, इनको सल्तनत में से कुछ हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि समय जो था यहां पे, इस समय का समाज वो बड़ा ही एक तरह से बोला जाए कि अनैतिक था। जिसको गद्दी मिली वो गद्दी के लिए ना भाई जानता ना बाप जानता। बाबर ने कम से कम अपने बेटे हुमायूं से ये चीज एक वचन के रूप में ली। अब एक चीज होती है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि इमोशनल जब आप होते हो तो या तो बहुत अच्छा करते हो या बहुत खराब करते हो। अब एक सिंपल सी लाइन है कि जब आप इमोशनल होते हो तब आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। जब आप एक तरह से दिमाग में आपके इस तरह के इमोशंस चल रहे हो तो आप अपनी तर्कशीलता से निर्णय नहीं ले सकते। सल्तनत का राजा सुल्तान बाबर अपने पुत्र प्रेम में पड़ के इसको बोल तो देता है कि बाकी के तीनों भाइयों का ख्याल रखना है। हुमायूं भी अपने पिता प्रेम में बोल देता है और निभाता भी है, लेकिन ये तीनों के तीनों भाई बड़े नालायक थे। हुमायूं के टॉपिक में कल की क्लास में आपको पूरा आगे बताऊंगा। तो जो इमोशन के पीछे दोनों के दोनों अपने एक वादे को निभाने में लगे थे, उसकी वजह से सल्तनत को बड़ा नुकसान हुआ, वो बात हम कल करेंगे। बाबर के टॉपिक में और कुछ चीजें हमें बात करनी है, बाबर के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, कुछ जो जिन चीजों की वजह से बाबर को जाना जाता है। एक तो कुछ उपाधियां थी बाबर द्वारा ली गई, उनमें से सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मिर्जा, वहां के जो जहां से बाबर आया था, इसके नेटिव प्लेस में लोग जो राजा थे वो अपने नाम के आगे मिर्जा लगाए। बाबर ने ये उपाधि त्याग दी, त्यागने के बाद में खुद के लिए पादशाह की उपाधि चुनी जब काबुल जीता। उसके बाद खानवा जीता, खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी और एक भाषण दिया था, तब एक लाइन बोली थी उसने, अगर जीते तो गाजी, मर गए तो शहीद। तो वो गाजी की उपाधि इसने अपने लिए चुनी। यासुद्दीन तुगलक ने भी चुनी थी मंगोलों को मारने के बाद में, डिवीजन करिए टाइम पे। यहां पे बाबर चुनता है अपने लिए गाजी शब्द, काफिरों को मारने वाले नॉन इस्लामिक जो भी इस्लाम के शत्रु थे उनके लिए शब्द उपयोग करते थे काफिर, और काफिरों को मारने वाला गाजी। एक और उपाधि जो बाबर के साथ जोड़ी जाती है वो है कलंदर। कलंदर दानशीलता का पंचायक है, एक शब्द है ये, जो व्यक्ति दान ज्यादा करता हो उसके लिए कलंदर की उपाधि दी जाती है। और बाबर अब चूंकि दरबार में देता था अच्छा खासा दान, इस वजह से इसके लिए कलंदर की उपाधि दी गई। इसके अतिरिक्त बाबर ने एक किताब लिखी थी, खुद की आत्मकथा, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, बाबर नामा। इसको तुजुक ए बाबरी भी बोला जाता है। आपके नोट्स जो है उनके अंदर डिटेल में ये सारी चीजें दी हुई है, पीडीएफ अपलोड की जा रही है, टेलीग्राम चैनल पर भी है, और बाद में आगे से आपको प्ले स्टोर पे जो हमारी ऐप है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाबर नामा तुजुक ए बाबरी, उस समय की सारी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कंडीशंस जो थी उनके बारे में ध्यान देती हुई सबसे एक इंपॉर्टेंट स्रोत के रूप में उभरती है बाबर नामा। खुद बाबर इसके अंदर विजयनगर साम्राज्य का आपको जैसे उदाहरण दिया, सांगा के खिलाफ
अपनी जो संघा के प्रति जो बाबर के मन में द्वेष था उसका भी जिक्र बाबरनामा में करता है बाबर। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा चांदी के कुछ सिक्के चलाए गए जिनको कहा जाता है शाहरुख, कहा गया है जिसको, सिक्के का नाम था शाहरुख। बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट ट्रिवियल सा क्वेश्चन हो सकता है, बहुत कम किताबों में आपको ये मिलेगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन शाहरुख नाम के सिक्के चलवाए गए थे, चांदी के सिक्के थे, बहुत कम मात्रा में चले थे, इस वजह से ज्यादा एक तरह से पब्लिकली एकदम अवेलेबल नहीं हुए, इतिहास में उनके स्रोत थोड़े कम मिले, लेकिन चलाए गए थे। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा एक चार बाग पद्धति चलाई, चार बाग पद्धति क्या थी? कभी दिल्ली जाना हो या दिल्ली रह रहे हो तो हुमायूं का मकबरा देख के आओ, उसके आसपास बगीचे दिखेंगे, बगीचे का जो स्टाइल है कि चार भागों में बटे हुए जो बगीचे हैं वो बाबर या मुगलों के अंदर आप देखोगे, ज्यादातर इनके समय की जो इमारतें हैं वहां पे आपको ये चार बाग स्टाइल मिलता है बगीचों में, तो इस तरह की देन भी बाबर के साथ जोड़ी जाती है। बाबर भारत में एंट्री करवा चुका था मुगलों की, बहुत ही शानदार तरीके से लड़ता, अपने आपने देखा, आपने नोटिस किया, पूरे जीवन भर ये लड़ता ही रहा, बहुत कम समय के लिए फरगना में और फिर समरकंद की गद्दी में बैठा, उसके बाद वहां से निकला, दर दर की ठोकरें खाई अफगानिस्तान में, अल्टीमेटली काबुल आके बैठा, काबुल के बाद में इधर आया भारत की तरफ, तो लगातार चार सालों तक 1526, 1527, 1528, 1529 चारों सालों में चार बड़े युद्ध किए, बहुत बड़े युद्ध थे भारत की चार मेजर शक्तियों के साथ। तो ये चार बड़े युद्ध किए तो शासन प्रशासन को संभालने का उतना वक्त मिलता नहीं है, और यही वजह है कि बाबर के समय पे कुछ प्रशासन या आर्थिक सुधार कुछ देख नहीं पाए, बल्कि नुकसान भी हुआ सदर का। आर्थिक दृष्टि से युद्ध की एक कॉस्ट होती है, पैसा बहुत लगता है, तो दिल्ली सदर के पास पैसा उतना नहीं, ये बाबर के युद्धों का एक परिणाम। एक और परिणाम यह था कि अब भारत जो था वो एक अलग, एक दिल्ली सल्तनत से शिफ्ट होके पावर आ चुकी थी अब मुगलों की, और ये मुगल भारत के लिए, भारत के आज के इतिहास में हम कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हमारे बड़े बड़े शहरों में उनसे संबंधित कुछ न कुछ हमें याद दिलाती हुई, कोई स्मारक कहीं पे तो कोई कब्र हमें दिख जाती है। तो मुगलों का भारतीय इतिहास से जुड़ाव बहुत ज्यादा है, वही चीज हम आगे पढ़ेंगे भी। अब बाबर का पूरा टॉपिक इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है, कल हम हुमायूं पढ़ेंगे। थैंक यू।